वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माँ लक्ष्मी माँ भवानी जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आप सभी को अपने चरणों में ही रखना, आप सभी को अपार धन संपदा देना, खासकर उन लोगों को जिनकी पहली और आखिरी उम्मीद आप ही हो माता रानी। वृश्चिक राशि वालों, अब आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लेकर आ रहा है जो कि बिना कुछ किए ही सीधे सीधे राजा बनोगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 2 बजे के बाद रोना धोना बंद करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। जी हाँ, क्योंकि घुट घुट कर बहुत जी लिए, गरीबी में दरिद्रता में दुख दर्द में जिंदगी बहुत बिता लिए, अब और नहीं। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, अब आपकी एक अच्छी दिन की शुरुआत होगी। ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव ने बदली अपनी चाल। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्यदेव जी अब आपके कुंडली में आकर विराजमान हो चुके हैं। अब आप सभी के जीवन काल में खुशियों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी खुशखबरी अब आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं जिसे आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्यदेव और माँ लक्ष्मी जी अब आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंह खुलते ही आपकी हर इच्छा पूरी होंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलतियां नहीं करनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे दूसरों को बुरा लगे और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाए। देखिए दोस्तों, गीता में शाप शब्दों में लिखा है कि भला करोगे तो भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो एक दूसरे का भला कीजिए, वरना उन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से आपको ध्यान रखकर कार्य करनी है जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, किन क्षेत्रों में कार्य करने से धन लाभ होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी, आपका लव लाइफ व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस आज की वीडियो में सब कुछ चर्चा करेंगे, अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और माँ लक्ष्मी भगवान सूर्यदेव महाराज जी का आशीर्वाद अपने जीवन में सदैव बनाए रखना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माँ लक्ष्मी ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। आइए दोस्तों बात करते हैं माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज आपको एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ मिल सकता है और साझेदारी में काम करके आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, व्यवसाय कर रहे लोग किसी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश कर सकती हैं जिससे उन्हें आगे चलकर समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन यदि आपने किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा किया है तो वो आपको धोखा दे सकता है, भरोसे को तोड़ सकता है, आपके साथ विश्वासघात छल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, भरोसा खुद से ज्यादा किसी के ऊपर मत कीजिए। हाँ, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाते चलिए। माता रानी आपके जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। आपके किसी मित्र के घर धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपको काफी खुशी होगी, काफी प्रसन्नता महसूस होगी। आपको आज कुछ नए संपर्क को बढ़ाने का मौका मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। आपको धन संपत्ति मामले में भी तेजी देखने को मिलेगी और आपको छोटे लाभ के अवसरों को पहचानकर उन पर अमल करना होगा, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उन्हें कोई मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती लेकर आएगा। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप अपने संसाधनों के कामों पर भी ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग आज बचत की योजनाओं पर भी पूरा ध्यान लगाएंगे। आपको किसी नए काम में निवेश करने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन निवेश बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान को यदि आप जिम्मेदारियां देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। माता जी आपको ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आज नौकरी में कोई अवार्ड मिल सकता है, इसलिए दोस्तों पूरे लगन से पूरे मेहनत से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, लोग तारीफ करेंगे और आपका नाम होगा, इज्जत होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सब जगह में आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा और आज का दिन आपके लिए वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखना होगा। जी हाँ, तभी आप कार्य क्षेत्र में लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बोलने में थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, जितना हो सके मधुर वाणी मीठे वाणी का प्रयोग करें, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। आप अपनी योजनाओं की शुरुआत बहुत ही सोच समझकर करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी आज कोई बिजनेस संबंधित योजना लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी फाइनल हो सकती है और आप बड़ों की सलाह पर चल के अपने किसी कानूनी मामले में भी जीत हासिल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, त्याग व सहयोग की भावना भी आज बढ़ेगी और आप एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं खर्चे आज आपके थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए खर्चों में थोड़ा सा आपको अभी ब्रेक रखना होगा। आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रूप फलदायक रहने वाला है। आपकी किसी कैरियर में जो है कच्ची विरोध हो सकती है और आपको उन्नति करने का भी मौका मिलेगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में यदि कुछ समस्या रहेगी तो आप उन्हें भी आज आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज यदि आप अपने भाइयों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अपने घर परिवार पर रखा हुआ है तो बताइए, यदि आप आने पर भी पूरा ध्यान देंगे। जीवन साथी से बातचीत करते समय आज आप अपनी मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो बहसबाजी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। जितना भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सही से फल मिलेगा, काम आपका निर्विघ्न पूरा होता जाएगा। जी हाँ, आपको अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा और आप काफी ज्यादा प्रसन्न के कार्य में भी आप तेजी बनाए रखें। कामकाज की गतिविधियां पहले से बेहतर रहेंगे, लेकिन आपको अपने आलस्य को दूर भगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको शेयर बाजार अथवा लॉटरी में धन का निवेश करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो आपके आपसी रिश्तों में भी दरार पैदा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ कुछ समय के लिए व्यतीत करेंगे, जो कि काफी एक दूसरे को अच्छा लगेगा।